are you? Welcome back in your YouTube channel. So student, in this lecture we discuss about the IIT JEE Main question. तो बच्चों ये जो chapter number 1 था electric charge and field का, उसका आज हम lecture number 9 लेकर आए हैं और इस lecture के अंदर आपको मैं कुछ problem करवाऊंगा जो IIT JEE Main से related होगा, यानी कि कुछ अच्छे अच्छे problems करवाऊंगा. तो student, जो lecture number 8 था वो भी numerical से based था, N.C.E.R.T problem और CBSE board exam question था. तो अगर आपने क्या किया उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज क्या करिए, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए अच्छे से और फिर इसके बाद उसको देखने के बाद आप इस वीडियो पे आइए. और ये भी ध्यान रखिए थोड़ा कि जो लेक्चर बन रहा है लेक्चर नंबर 9 जो आईटी जेई मेंस के कोई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो एक्चुअली में कुलम्स लॉ पे बेस्ड है. कुलम्स लॉ पे बेस्ड है और कुलम्स लॉ का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है डीपली. तो लेक्चर नंबर 6 को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और यहाँ पर रिपाल कर देते हैं कि जो कुलम्स लॉ होता है कुलम्स लॉ एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है कुलम्स लॉ. और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो लेट स्टार्ट द क्लास एंड स्टार्ट द क्लास फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, यहां से क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये कहां पे होगा, क्या ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए होगा या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए होगा. तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल समझाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर इसके बाद जब फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है, जब ये क्लियर हो जाएगा फिर आपको हम क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास. ओके स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. स्टूडेंट, सुपरपोजिशन मींस एक्चुअल में मिलना. जब आपके पास आइसोलेटेड चार्ज ना हो, आपके पास टू चार्ज ना हो, आपके पास चार्ज का एक सिस्टम हो, आपके पास क्या हो, सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि आपके पास एक ऐसी बॉडी है यहां पे, आपके पास एक ऐसी बॉडी यहां पे है कि जिसके पास एक चार्ज नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज है. सपोज दैट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन Qn एंड ऑल्सो यर Q6, ऐसे बहुत ढेर सारे चार्ज हैं. तो अब होता क्या है, अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि इसके इसके बीच फोर्स लग रहा होगा, इसके इसके बीच भी फोर्स लग सकता है, इसके इसके बीच भी फोर्स लगता है, यानी कि बहुत ढेर सारे चार्ज हैं. भी जो भी चार्ज है, अगर मैं आइसोलेटेड चार्ज की बात कर दूं, एक सिंगल चार्ज की बात कर दूं, जो सिंगल चार्ज है वो सभी जो अदर चार्ज हैं उनसे क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. अब या तो फिर अट्रैक्शन होगा या तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा. समझ में आ रही बात, मैंने क्या कहा कि सुपर पोजिशन का मतलब होता है मिलना. तो सुपर पोजिशन जो प्रिंसिपल लगता हुआ एक्चुअली में सिस्टम ऑफ चार्ज पे अप्लाई होगा. सिस्टम ऑफ चार्ज यानी कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, जैसे यहां पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऐसे बहुत ढेर सारे चार्ज हैं. और जितने भी चार्ज हैं, अगर उसमें से मैं किसी एक चार्ज की बात कर दूं, सपोज दैट यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज क्या है, Q1 है, तो अब जो चार्ज Q1 है इस पे होगा क्या, अदर चार्ज, इस पे Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 की बात करूं वो भी फोर्स लगाएगा, Q4 की बात करोगे वो भी फोर्स लगाएगा, Q5 की बात करोगे क्या करेगा, वो भी फोर्स लगाएगा, और एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी चार्ज सब क्या करेंगे, सब का सब फोर्स लगाएंगे. तो अगर मैं पूछूं नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स जो लगता है वो अदर चार्ज द्वारा अलग अलग लगाए गए फोर्स के
वेक्टर संकेत कौन होता है, बस एंड सो ऑन। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इट्स मीन्स यू हैव टू गिवन अ सिस्टम ऑफ चार्ज एंड इन दैट सिस्टम एनी चार्ज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द डिफरेंट चार्जेस। अलग अलग जो चार्ज होगा उनसे क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगा गया, तो बोलोगे सर यहाँ पे जो चार्ज टू है ये भी क्या कर रहा है, फोर्स को लगाएगा। थ्री है ये भी क्या करेगा, फोर्स को लगाएगा। फोर वाला है ये भी क्या करेगा, फोर्स को लगाएगा। क्यू फाइव ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्यू वन जो है ये भी फोर्स लगाएगा। यानी कि जो सभी चार्ज बचते हैं रिमेनिंग चार्ज क्यू वन को छोड़ के, जो अदर चार्ज बचा वो सब के सब क्या करेंगे, क्यू वन पे फोर्स लगाएंगे। तो जो अदर चार्ज इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है उन्हीं का जो वेक्टर सम होता है वही होता है नेट फोर्स ऑन एनी आइसोलेटेड चार्ज। यहां पर मैं क्यू वन की बात करूं, इसे सब पे चला सकता है। अगर मैं क्यू टू की बात करूं तो क्यू टू पे जो चार्ज लगेगा कौन कौन लगाएगा, वन लगाएगा। कोई चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता। जैसे टू मॉन की मैं बात करूं यहाँ पे चार्ज वन की, तो चार्ज वन पे वन नहीं लगा सकता। चार्ज वन पे जो अदर चार्ज हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जो अदर एक्स्ट्रा चार्ज बची हुई है वो सब क्या करते हैं, फोर्स को यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ मैंने राइट किया है नेट फोर्स ऑन चार्ज की वन एफ वन इक्वल टू वेक्टर एफ टू प्लस वेक्टर एफ टू प्लस एंड सोन एट लास्ट वेक्टर एफ एन। यानी कि जो अदर चार्ज है जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो फिलहाल आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये कहता है कि किसी एक सिंगल चार्ज पे, एक आइसोलेटेड चार्ज पे जो नेट फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, अदर रिमेनिंग चार्ज के जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे होते हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। यानी कि एफ वन इक्वल टू एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर प्लस एफ फाइव एंड सो ऑन एट लास्ट एफ एन। ओके, सो इट्स वाज अबाउट द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो नोट डाउन एंड सॉल्व द जे मेंस क्वेश्चन। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन सेलेक्ट आई टी जे मेन 1995, यानी कि 1995 में आई टी जे मेन में क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन क्या है इसको सबसे पहले हम समझते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। ओके क्वेश्चन गिवन An infinite number of charge is equal to 4 microcoulomb. Are placed along x-axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at origin. यानी कि मतलब ये है कि इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक लाइन यहां पे ड्रा कर दो, एक लाइन यहां पे। आपके पास यहां पे एक चार्ज है, वो चार्ज कितना है, 1 कूलम। चार्ज कितना है यहां पे, 1 कूलम चार्ज हो गया। और यहां से x इक्वल टू 1 पे, यहां से 1 पे एक चार्ज यहां पे कितना, 4 माइक्रो कूलम। 2 मीटर पे एक चार्ज है 4 माइक्रो कूलम का, 4 मीटर पे एक चार्ज है। नेक्स्ट है यहां से क्या है, 8 मीटर पे नेक्स्ट चार्ज है। और सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है वही 4 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो कूलम। ऐसे चार्ज क्या हुआ, आता हुआ चला जाएगा। ओके चार्ज क्या होगा, ऐसे आता हुआ चला जाएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि जो फर्स्ट चार्ज यहां पे है 1 माइक्रो कूलम, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो आप ये बताओ, तो इस पे फोर्स ये भी लगाएगा, इस पे फोर्स ये भी लगाएगा, इस पर फोर्स ये भी लगाएगा, और अदर चार्ज में जैसे भी लगेगा, जितने भी चार्ज है सबके सब क्या करेंगे, फोर्स को एग्जर्ट करेंगे। समझ में आ रही बात। तो यहां पे जो चार्ज 1 कूलम्ब है इस पे 4 माइक्रो कूलम्ब वाला भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, यानी कि सभी फोर्स लगाएंगे। तो अगर मैं पूछूं नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कहोगे नेट फोर्स एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले इसके लिए, तो सबसे पहले यहां पर राइट ही कर लो, एफ वन सॉरी एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एंड सो वन एफ एन हो गया। एफ एन ही बच्चों इनफाइनाइट तक है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। Q1 1 कूलम, Q2 आर गिवन
4 माइक्रो कूलम, 4 इंटू माइक्रो में क्या होगा 10^-6 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना मीटर है? 1 मीटर। प्लस नेक्स्ट सेम प्रोसेस, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर 1, 4 इंटू 10^-6 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा P/2। तो ऐसे आता हुआ चला जाएगा ये। तो अब यहां से क्या हो रहा है, कुछ कॉमन टर्म हो रहा है, कॉमन ये हो रहा है 4k × 10^-6 4k × 10^-6 यहां पे क्या है 1/1 + 1/4 आगे क्या आएगा 2 स्क्वायर है और नेक्स्ट 4 × 4 = 16 हो जाएगा प्लस 8×8 = 64 ये ऐसे आता हुआ चला गया, सॉरी ऐसे इनफाइनाइट टर्म। तो फर्स्ट अपन नोट डाउन, ओके तो उतना नोट कर लिया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो अब ये क्या दिख रहा है, दिख ये रहा है कि कह सकते हैं कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है जीपी, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू a/(1-r)। ये जीपी है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का जो सम होता है वो a/(1-r), जहां पे r क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। सो f इक्वल टू 4k × 10^-6 a क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना है 1/(1-r), r क्या होता है t2/t1, t2 है t3, t2/t1 होता है, तो यहां पे r कितना आ गया 1/4 हो गया। सो f इक्वल टू 4k × 10^-6 ये कितना आएगा 4 × 4 = 4 − 1 = 3 आएगा, तो 1/3/4 को ऊपर ले जाओ तो 4/3 4×4 = 16 k की वैल्यू कितना 9 × 10^-9 × 10^-6 अपॉन 3 और 4×16 k की वैल्यू पुट कर दो 9 × 10^-6 अपॉन 3 3×9 = 48 × 10^3 इसको अच्छे सॉल्व कर दो 4.8 × 10^4 न्यूटन। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया है 2004 में, एआई फिल्पली, का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को भी ध्यान देखते हैं। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एआई ट्रिपली 2004 में आया था, क्वेश्चन को समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू कैपिटल क्यू है यहां पे, ध्यान समझिएगा, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ आई स्क्वायर एंड आर चार्ज क्यू इज एट इट्स सेंटर, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास क्या है एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज, यहां 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 पे है। और इसकी साइड की अगर मैं बात कर दो स्टूडेंट, इसका जो साइड सपोज कर लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए हो गया, और कह रहा है कि एंड द चार्ज क्यू इज एट इट्स सेंटर। सेंटर क्या होगा, डायगोनल का जो इंटरसेक्शन होगा पॉइंट, जो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही क्या हो जाएगा आपका सेंटर हो जाएगा। तो इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू रिप्लेस कर दिया गया, और कह रहे जो पूरा सिस्टम हो क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो वैल्यू ऑफ क्यू कितना होगा, इस क्यू की वैल्यू कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है,
इसको मैं ए सपोज कर लेता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो आपसे क्यू की वैल्यू पूछ रहा है और इसी क्यू को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या होगा, डायगोनल कितना आएगा ए सी, डायगोनल, डायगोनल ए सी स्क्वायर रूट टू ए, स्क्वायर रूट टू ए, और सेंटर को सपोज कर लो ओ, तो एओ कितना हो जाएगा, एओ। तो डायगोनल का हाफ होता है, डायगोनल कर्ड होता है साइड रूट टू, और साइड हमारा कितना है ए है, रूट टू हो गया। तो एओ क्या हो जाएगा इसका हाफ, तो इसका हाफ करने पर एओ, बिकॉज एओ जो होगा वो क्या होगा बेटा, डायगोनल का हाफ ही होता है। तो यहां पे आ जाएगा इसका हाफ करने पर रूट टू ए अपान टू, तो यानी कि सब मिला के आएगा स्मॉल ए अपान स्क्वायर रूट, ये आपका ए हो गया। अब आप किसी एक कॉर्नर को ले लीजिए, किसी एक कॉर्नर को ले लीजिए और उसमें जितने भी चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है वो देखो ध्यान से। तो आप समझिए पहले एक फोर्स इधर लग रहा है, ओके, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स ऐसे सीधे लग रहा है, एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इसको मैं F1 बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं F2, और इसको जो बोला जा रहा है वो है फोर्स F3। अब यहां पे F1 कितना आएगा, सबसे पहले F1 निकालो। F1 क्या होता है के, देखो फॉर्मूला होता है F का, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो F1 क्या हो जाएगा, के Q1 कितना है, ये Q है, और Q2 कितना, ये भी Q है, तो Q स्क्वायर अपान कितना A स्क्वायर कामा। F2 कैलकुलेट कर लो, F2 कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट कर लो F2, तो F2 कितना आएगा, वही इनके इनके बीच फोर्स लग रहा है, तो सेम K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 कितना है Q Q, तो Q स्क्वायर पानी स्क्वायर। अब बात आता है F3 की, बात किसकी आती है F3 की। तो अब देखो F3 किसकी किसकी बीच का फोर्स है, बहुत ध्यान समझिएगा, F3 जो हमारा फोर्स बन रहा था ये F3, यहां पे इसको हम राइट कर देते हैं F3, F3 जो होता है इसके इसके बीच का ये दोनों का फोर्स है। तो F3 कितना होगा, K Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, R क्या होगा डायगोनल, यही है डायगोनल, है डायगोनल कितना है हमारा स्क्वायर रूट टू, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर, ओके। तो अब ये बताओ, अब आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स इस पर कितना लगा, तो देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, एफ वन का दो कंपोनेंट करो, इस पर क्या आएगा एफ वन साइन 45 और इस पर क्या आएगा, इसका एक कंपोनेंट इस पर आएगा, एक कंपोनेंट इस पर, तो इस पे जिसके साथ एंगल बनाता है वो बच्चों साइन वाला, सॉरी वो जो होता है कास वाला होता है, जिसके साथ एंगल बनाएगा, जैसे कोई इसके साथ एंगल बनाया ना 45 डिग्री कास वाला हो गया, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता वो क्या होता है साइन वाला, एफ वन साइन 45। तो वैसे एफ टू को करो तो एफ टू भी क्या आएगा इसी पर ही आएगा, इस पे कितना होगा एफ टू कास 45, एफ टू कास 45, और ऊपर वाले पे कौन आएगा, कहेंगे हम एफ टू साइन 45। अब यहां से ऑब्जर्व करो कि F1 F2 की इक्वल है 100% है, साइन 45 साइन 45 इक्वल है, तो जब साइन 45 साइन 45 इक्वल हो गया, F1 आपका F2 की इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इस फोर्स का कोई मतलब यहां पे नहीं है, यानी कि F1 साइन 45 F2 जो साइन 45 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद जो इतने फोर्स हैं ये सब F2 cos 45 plus F1 cos 45 plus F3, यही क्या हो जाएगा नेट फोर्स लग जाएगा इस चार्ज पे। अब एक्चुअली में सिस्टम हमारा कैसा, इक्विलिब्रियम है, सिस्टम में इक्विलिब्रियम का होने का मतलब ये है कि इस पर उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स एफ डेल्स, और इधर लगने का मतलब क्या है कि अगर ये माइनस को इधर क्या हो जाएगा प्लस को, तभी तो होगा, बिकॉज बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये निगेटिव करोगे निगेटिव निगेटिव क्या करेगा रिपल करेगा, तो रिपल करने पर कभी इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में चार्ज है इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ओके,
इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेचर होगा चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से, ओके। तो यानी कि मतलब जो एफ डैश है, जो एफ डैश फोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल करना पड़ेगा। तो यानी कि इंप्लाइज दैट, यहां पर राइट करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम एफ डैश, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टू कॉस 45 प्लस एफ वन कॉस 45 प्लस एफ थ्री। तो एफ डैश क्या होगा, इसके इसके बीच का फोर्स ना, इसके इसके बीच का फोर्स। तो के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन कितना है, क्यू है, क्यू टू कितना है, स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है ये ए अपॉन अंडर रूट टू, तो ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा यहां पे टू। एफ टू कॉस 45, एफ टू कितना है ये इतना, और कॉस 45 इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। तो कहने को देखो यहां पे रखिए पहले वैल्यू, मैं बता रहा हूं फिर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45 वैल्यू कितना होता है वन अपॉन रूट टू, प्लस सेम यहां पे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, प्लस एफ थ्री, एफ थ्री कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ओके। तो आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि के सब में है, के क्यू क्या हो जाएगा सब जगह से खत्म, एक क्यू भी है वो भी क्या हो जाएगा सब जगह से खत्म। तो टू कहां जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा टू यहां पे क्या है क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी क्या है सब जगह से फिनिश कर दो, इसको मैं क्या कर दिया फिनिश कर दिया, तो क्यू बचा यहां पे, तो टू क्यू स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या अपान क्या आया क्यू अपान स्क्वायर रूट टू, क्यू अपान स्क्वायर रूट टू, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं यहां पे बेटा क्यू है ना, हाँ क्यू अपान रूट टू। तो अब यहां पे क्या आएगा फिर क्यू अपान स्क्वायर रूट टू प्लस क्यू अपान टू, क्यू अपान टू, टू क्यू इज इक्वल टू, तो ये इसको ऐड कर दो तो टू क्यू अपॉन रूट टू आएगा, तो टू टू क्या हो जाएगा रूट टू फिनिश होगा तो आएगा स्क्वायर रूट टू क्यू प्लस क्यू अपॉन टू। तो यहां से अगर क्यू की वैल्यू निकालना चाहोगे आप तो हाफ कर दो, हाफ स्क्वायर रूट टू क्यू प्लस क्यू अपॉन टू। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी कैपिटल क्यू नहीं स्मॉल क्यू रहेगा यहां पे, स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन टू ब्रेकेट में स्क्वायर रूट टू प्लस वन अपॉन टू। ये क्या है इस्तेमाल क्योंकि वैल्यू है। तो अगेन सॉल्व, अगेन सीधा क्वेश्चन है सॉल्व इट, फिर से हम देखते हैं इसको एक बार फिर से समझते हैं। आपके पास फोर चार्ज है, फोर चार्ज इच इक्वल टू माइनस क्यू आर अप्लाइड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज क्यू इज एट इट्स सेंटर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। यानी कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था स्टूडेंट कि आपके पास एक स्क्वायर है, उसके साइड में क्या सपोज कर लिए स्मॉल है, और उसके हर एक कॉर्नर पे क्या है माइनस क्यू चार्ज को रिप्लेस कर दिया गया, और माइनस क्यू चार्ज को रिप्लेस करने के बाद उसके सेंटर पे भी क्या कर दिया गया एक चार्ज को रखा गया। तो इस माइनस जो क्यू चार्ज है इसको सेंटर पे रखने से जो हमारा सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो जब ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, आपको जो स्मॉल क्यू गिवन है उसकी वैल्यू कितनी होगी एक्चुअली वो समझना था। तो इसका मैंने मैकेनिक्स बनाया, मैकेनिक्स जो मतलब जो फोर्स होता है या बीडी जिसको कहते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे जितने चार्ज यहाँ पे जो माइनस क्यू इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो एक बार ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया और ये फोर्स, बिकॉज इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि खुद पे जो फोर्स लगता है वो अदर रिमेनिंग चार्ज द्वारा लगता है ना। तो एफ वन यहाँ पे, एफ टू यहाँ पे, एफ थ्री यहाँ पे, सबकी पहले कैलकुलेट कर ला एफ वन एफ टू और एफ थ्री, ये कैलकुलेट कर लिया। और इसके बाद हमने कहा इसका दो कॉम्पोनेंट होगा, एक एफ वन साइन 45 और एक क्या आएगा एफ वन कॉस 45, जिसके साथ एंगल बना था वो कॉस वाला, जिसके साथ नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा साइन वाला। फिर हमने कहा सिमिलरली एफ टू को करो कंपोनेंट, बताओ क्या क्या होगा एफ टू साइन 45 एफ टू कॉस 45, तो एफ टू साइन 45 एफ वन साइन 45 के इक्वल क्यों होगा, बिकॉज एफ वन इक्वल टू क्या एफ टू है, तो इक्वल होने की वजह से उनके कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे,
जब उनके कंपोनेंट कैंसिल हो गए इसका मतलब कोई मतलब वहां पे नहीं था। तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो F2 cos 45 plus F1 cos 45 plus F3। अब हमने कहा कि जो आपका सिस्टम वो कैसा इक्विलिब्रियम है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये क्या हो गया कि इस पे जितना चार्ज इधर लग रहा होगा उतना ही चार्ज इधर लग रहा होगा, और इधर चार्ज किसकी वजह से लग रहा है, इस चार्ज की वजह से। और इसका नेचर निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो रिपल हो जाएगा, तभी के बीच ऐसे फोर्स लगेगा इधर और इधर। लेकिन इनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, तभी उसी की वजह से ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इस पे एक फोर्स अंदर क्यों लगा, जिससे क्या बैलेंस है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 cos 45 plus F1 cos 45 plus F3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या कर दिया, F डैश इक्वल टू F2 cos 45 plus F1 cos 45 plus F3। तो F डैश पुट कर दिया ओके, और F2 का सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करता हुआ चला गया, लास्ट में पे आ गया स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन टू स्क्वायर रूट टू प्लस वन अपॉन टू, दैट इज द करेक्ट आंसर। यही क्या इसका आंसर है ओके।